हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय चैनल। और आज जैसे कि स्माइल देख के आप लोगों को पता चल रहा है कुछ खुशखबरी है, तो मैं वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ दिनों से जैसे कि आप सबको ही पता है, मैं जैसे मतलब बीच बीच में ऐसे पूरा हम लोगों को वीडियो गैप हो गया है, कुछ हम लोग वीडियो वगैरह नहीं बना रहे। तो मैं बीच बीच में दो तीन बार, एक बार लाइव आके और दो तीन बार ऐसे वीडियो में भी बोली हूँ कि कुछ ऐसे मेरा चैनल पर प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसी वजह से हम लोग मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। तो फाइनली आज मेरा जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो गया है, और आज मैं इसीलिए आपके साथ वो वाला प्रॉब्लम भी शेयर करूँगी कि मेरे साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ था। और जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड है, रेगुलर है वो मेरे चैनल पे, तो उन लोगों ने भी मुझे बार बार पूछ रहे तो क्या हुआ आपके चैनल पर और वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं क्या हुआ था और कैसे मतलब मेरा क्या प्रॉब्लम हुआ था, तो ये आज आपके साथ मैं पूरी शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ और इसके बाद से ही रेगुलरली वीडियो जाएगा जैसे पहले जाता था, और ये सब सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ था। जैसे कि आप सबको पता है मेरा चैनल नए है, न्यू चैनल है, तो वो 1000 सब्सक्राइबर एंड जो 4000 वॉच टाइम का कंप्लीट करके फिर मोनेटाइजेशन नए नए हुआ था, मोनेटाइजेशन होके ऐड भी चलने लगा था। और जैसे बोलते हैं कि जो यूट्यूबर है तो उनको पता है कि $10 होने के बाद आपको एक आता है आईडी वेरिफिकेशन होने के बाद, फिर उनका प्रोसेस जो है आगे चलता है। और जैसे कि मैं पूरी नई हूँ, फैन ऑफ है ना तो गर्मी में थोड़ा पसीना आ रहा है, पूरी नई यूट्यूबर हूँ तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करनी है। एक मैं एडसेंस तो खोल ली थी, लेकिन उसमें जो मेरा नाम है, मैं सोची कि मेरे चैनल पे नाम मतलब चैनल के नाम पे ही हो जाएगा ये सब, मुझे नहीं इतना नॉलेज नहीं था। तो मैं पहले ही जैसे $10 मुझे हो चुका था मेरे अकाउंट में, तो उन लोगों का मेल आया था कि आपका आईडी वेरिफिकेशन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। जैसे उनका एक टाइम लिमिटेशन का, आप 5 टाइम या 6 टाइम आप अटेम्प्ट कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए, फिर अगर उनका वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाए तो आपका वो और चांस नहीं देते, और बहुत ही मुश्किल से। तो मेरा आईडी वेरिफिकेशन जो फेल हो चुका था, मैं पहले पैन कार्ड से कर रही थी आईडी वेरिफिकेशन, तो लेकिन मेरा फेल हो चुका था किसी कारण से। और जब मैं यूट्यूब मतलब यूट्यूब क्रिएटर एक होता है ना सपोर्ट टीम, तो उनसे बात करके फिर चैट करके उनसे मेल में मेरा आईडी वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करी थी, तो उन्होंने भी पैन कार्ड से बोला कि तो मुझे पहले का नहीं पता, लेकिन 2020 में जैसे कि आईडी वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें उनका एड्रेस रिक्वायरमेंट कंपलसरी है। एड्रेस रिक्वायरमेंट वो करते हैं, जैसे कि आपका जो भी आप देते हो आईडी उसमें आपका एड्रेस होना मतलब कंपलसरी है। उसी एड्रेस मतलब जो एडसेंस में आप एड्रेस मतलब भरे हो वो एड्रेस आपका आईडी में होना ही चाहिए। तो मेरे पैन कार्ड में ऐसा कुछ क्या प्रॉब्लम हो गया मुझे नहीं पता। फिर जो मुझे असिस्टेंट कर रहे थे यूट्यूब पार्टनर से, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो पासपोर्ट करिए। तो मेरे पास ये दो कुछ भी नहीं है, और जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मेरे पास नहीं है, तो मैं सोची कि चलो फिर मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करी। जितने देरी तक मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई करी तो मेरा तो आईडी वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन ऐड चल रहा था। तो मैं सोची चलो आईडी वेरिफिकेशन तो हो जाएगा, ऐड तो चलेगा, तो हम लोग ऐसे भी वीडियो बनाते रहेंगे। और जबकि मेरा कुछ दिन बाद मेरा पासपोर्ट भी नहीं आया था, लेकिन कुछ दिन बाद मेरा जो मोनेटाइजेशन है ऐड चलना भी बंद हो गया, मोनेटाइजेशन भी वो लोग एरर कर दिया था। तो मेरा उसी टाइम ही मतलब पूरा मैं सैड हो चुकी थी, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये चैनल में और आगे ले जा पाऊंगी या नहीं तो इसमें और क्यों मेहनत करना और मैं दूसरा चैनल खोलूंगी। ऐसा नहीं कि यूट्यूब छोड़ने के एक बार भी मुझे ख्याल नहीं आया, मैं सोची कि ये चैनल अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी चैनल भी खोल लूँगी अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी में जाके मेरा रिसेंट पासपोर्ट भी मेरा पास ही आ चुका है, और तुरंत ही मैं उनको फिर मेल करी, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट टीम है यूट्यूब पार्टनर से,
मतलब तुरंत ही उन लोगों ने रिप्लाई दे दिया मुझसे, मतलब लेट हो रहे भेजने में, तो उन्होंने मतलब मुझे याद करा रहे कि आप वेरिफिकेशन कराओ वेरिफिकेशन कराओ। फिर मैं मुझे आज फाइनली जाके मेरा आईडी वेरिफिकेशन में पासपोर्ट से करी हूँ, और वो सुबह 12 बजे, 12 तो नहीं 1-1.5 बजे मैं आईडी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, तो उन्होंने मुझे लास्ट चांस दिया था, और 3 बार आप और अटेम्प्ट कर सकते हो, और इसके बाद अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं होगा आपका। तो मेरा मन में बहुत ही डर था, बहुत ही डर था क्या होगा, मैं पासपोर्ट से भी देखती हूँ, अगर इसमें गलती हो जाए तो और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं 1:30-2 बजे अप्लाई कर रही हूँ वेरिफिकेशन के लिए, तो को 4 बजे तक है ना मेरा जो ऐसे ही मतलब मन में एक है ना कब आएगा, इन प्रोसेस में लिखा था कि आपका आईडी वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, तो कब आएगा ऐसे करके 4, 4:30 बजे मेरा आईडी वेरिफिकेशन होके आ चुका है और सक्सेसफुल हो चुका है। प्लस मेरा जो मोनिटाइजेशन है ऑफ था, उन्होंने एरर कर दिया था, तो वो भी अब क्लियर है। तो ये है बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ मेरे लिए, और ये सब आपको मतलब आप लोगों के सपोर्ट के वजह से मैं ऐसे भी वीडियो नहीं डाल रही थी, कुछ साउंड आ रहा है ऊपर कोई कुछ कर रहा है, मैं आईडी पे मतलब वीडियो नहीं डाल रही थी, तो आप लोग भी बोल रहे थे क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हो, और मेरे प्रॉब्लम के बारे में भी पूछ रहे थे। तो इसके लिए आपको भी रियली रियली बहुत सारा थैंक यू, और मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और आज ये इवनिंग का टाइम है, 5:30 बज रहा है, आज इवनिंग से ही फिर से वीडियो बनाना चालू और कंटिन्यू जैसे कि वीडियो जा रहा था जाएगा। तो इतना ही मुझे ये छोटा सा वीडियो में बोलना था, तो चलो फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं, और फिर से आप लोग आई होप आप हम लोगों का साथ ही देंगे। तो फिर मिलते हैं फटाफट से एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।